तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज हम बात करेंगे कक्षा 7 विज्ञान को लेके, और यहाँ पे आपका 2020-21 के लिए सिलेबस कम किया गया है। ये बात है हरियाणा की। हरियाणा के जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं कक्षा 7 के अंदर, तो उनका जो सब्जेक्ट है विज्ञान, यानी कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोलेंगे साइंस, तो उनका जो है चैप्टर कम कर दिए गए हैं। कुछ चैप्टर आपके एग्जाम में मार्च 2021 का जो एग्जाम होगा उसमें नहीं आएंगे। अब पाठ नंबर 7, अब ये सारा कुछ हिंदी में लिख रखा है जो हरियाणा सरकार उसने जारी किया है। तो जिनकी बुक जो है साइंस है यानी इंग्लिश में है, तो उनको जो है पाठ नंबर याद रखना है, सिर्फ चैप्टर नंबर। तो ये सेम चैप्टर नंबर आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए गायब होंगे। पाठ नंबर 7 है मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। पाठ नंबर 8 पवन तूफान और चक्रवात। पाठ नंबर 9 मृदा। पाठ नंबर 17 वन हमारी जीवन रेखा। पाठ नंबर 18 अपशिष्ट जल की कहानी। तो ये पाठ है जो आपके कम किए गए हैं। अब इंग्लिश मीडियम वालों को बता देता हूँ, तो इंग्लिश मीडियम वाले जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, साइंस में है जो क्लास 7 के अंदर, तो उनको जो है चैप्टर नंबर 7 आपकी बुक है जो चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 17 और 18, ये चैप्टर रिमेम्बर नहीं करने हैं, ये याद नहीं करने, ये एग्जाम्स में नहीं आएंगे। इनके अलावा जितने चैप्टर आपके बच गए हैं उनमें से ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे एग्जाम्स के अंदर, तो उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और इनको छोड़ दीजिएगा।